तो एट लास्ट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं। देखिए पांच विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन आज मैं आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में एग्जिट पोल्स जितने भी हुए हैं आज उन सबका बताने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एग्जिट पोल्स में जीत गई कांग्रेस, 5 राज्यों ने चौंकाया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में है 199 सीटें और देखिए एक सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा कि राज बदलेगा। अब आप देखिए 2018 के नतीजे, कांग्रेस के पास थी 100 सीटें, बीजेपी के पास थी 73, यानी कांग्रेस की यहाँ पर मौजूदा सरकार थी। अब आप धीरे धीरे आ जाइए न्यूज 24 टुडे चाणक्य, कांग्रेस को 101, बीजेपी को 89, तो मतलब टुडे चाणक्य कांग्रेस को जिता रहा है। एक्सिस माई इंडिया किसे जिता रहा है? ये भी कांग्रेस को जिता रहा है। सी वोटर किसको जिता रहा है? सी वोटर बीजेपी को जिता रहा है। मैटेराइज किसको जिता रहा है? मैटेराइज बीजेपी को जिता रहा है। आगे आइए पोल स्ट्रेट किसे जिता रहा है? ये बीजेपी के पास देखिए 100 से 110 क्लोज फाइट है, लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा आती हुई दिख रही है। जन की बात किसको जिता रहा है? बीजेपी को जिता रहा है। और कांग्रेस की देखिए 62 से 85 सीटें, और ईटीजी जो है वो भी बीजेपी को जिता रहा है। मतलब अगर राजस्थान की बात करूं तो ये जो दो हैं टुडे चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया ने तो कांग्रेस को जिता दिया है, और बाकी के ये जो भी हैं उन सब ने बीजेपी को जिताया है। अब दूसरा देख लीजिए, एमपी में 230 सीटों का राजा कौन? तो पहले देखिए 2018 के नतीजे, जो कि कांग्रेस के पास थी 114 सीटें और बीजेपी के पास थी 109 सीटें, लेकिन यहाँ पे जो है सत्ता पलट गई थी, बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। कैसे बना ली थी? क्योंकि सिंधिया कांग्रेस से निकलकर अपने नेताओं को लेकर बीजेपी के पास आ गए थे, तो इसलिए अभी वहां पर शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी की सरकार थी। अब आप देखिए कि क्या कहते नतीजे, तो न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने बताया है कांग्रेस 74 और बीजेपी 151, यानी चाणक्य के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। फिर एक्सिस माई इंडिया आई है, एक्सिस माई इंडिया ने भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार बना दी है, 140 से 162 तक ये सीटें हैं। फिर सी वोटर पर आइए, सी वोटर ने जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई है 113 to 137। मैटेराइज पे आइए, मैटेराइज में जो आंकड़ा है वो बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है, यानी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। पोल स्ट्रेट में देख लीजिए ये 111 and 121, तो मतलब कांग्रेस की सरकार है। क्लोज फाइट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस के आंकड़े ज्यादा हैं। जन की बात देखिए, जन की बात में बीजेपी के आंकड़े ज्यादा लग रहे हैं। ईटीजी में देखिए, ईटीजी में 109 से 125 मतलब कांग्रेस की सरकार। तो अगर मैं आपको मध्य प्रदेश का बताऊं तो इसमें से 4 तो बीजेपी ने सरकार बना ली है यहाँ पे 4 सर्वेस के हिसाब से, और 3 सर्वेस के हिसाब से कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बना ली। अब तीसरा बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर किसका राज? पहले तो देखिए पिछले बार के नतीजे यानी 2018 के नतीजे, इसमें कांग्रेस के पास थी 68 सीटें और बीजेपी के पास थी 15, यानी वहां पर अभी भूपेश बघेल सरकार जो कि कांग्रेस सरकार है उसका राज है। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और चौंकाने वाली चीज रहेगी कि सबसे पहले मैं आपके सामने आंकड़े पढ़ूं, सबने कांग्रेस की सरकार बना दी है, एक भी कोई क्लोज फाइट भी दिखाई है, लेकिन कोई भी एक ऐसा सर्वे नहीं है जिसने ये बताया हो कि बीजेपी ज्यादा ला रही है कांग्रेस से। मैं शुरू करती हूँ टुडेज चाणक्य, कांग्रेस 57 बीजेपी 33। एक्सिस माई इंडिया आप ये देख सकते हैं 40 to 50 कांग्रेस और बीजेपी का 36 to 46। फिर आप आ जाइए सी वोटर 41 to 53 बीजेपी 36 to 48। मैटेराइज का आ जाइए आप ये आंकड़ा देख लीजिए, इसमें भी कांग्रेस जीत रही है। पोल स्ट्रेट में देख लीजिए कांग्रेस 40 से 50 और बीजेपी 35 से 45। जन की बात में भी कांग्रेस का आंकड़ा बीजेपी के आंकड़े से ज्यादा है। ईटीजी में भी कांग्रेस का आंकड़ा बीजेपी के आंकड़े से ज्यादा है। और सीएनएक्स भी आप देख लीजिए 46 to 56 और बीजेपी 30 to 40। यानी जितने भी सर्वे हैं उसमें सारे जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं वो कांग्रेस के ज्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इधर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यहाँ पर जो सत्ता है वो वापस रिपीट हो रही है, मतलब भूपेश बघेल सरकार ये सारे सर्वे के हिसाब से छत्तीसगढ़ में एक तरफा वापस आ रही है। अब अगला आ जाइए आप, तेलंगाना की 119 सीटें किसके पास? सबसे पहले देखिए 2018 के नतीजे, कांग्रेस के पास 19, बीजेपी के पास सिर्फ 1, टीआरएस के पास 88। और देखिए इस बार कहा जा रहा था कि ये जो अब टीआरएस जो बीआरएस हो गई है यानी केसीआर की पार्टी, वो और कांग्रेस की कड़ी टक्कर थी। बीजेपी तो अभी कहीं भी मैदान में नहीं है और जो अभी नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ न्यूज 24 टुडे चाणक्य से, कांग्रेस के पास आ रही है 71 सीटें,
बीजेपी के पास 7 सीटें और बीआरएस के पास 33। यहाँ पर मतलब तेलंगाना में कांग्रेस की आंधी आ गई है, यानी राहुल की आंधी आ गई है। और आप देखिए, वैसे तो देखें तो बीजेपी की एक सीट आई थी 2018 में, लेकिन बीजेपी की अब 7 सीटें आ रही है, मतलब बीजेपी ने वहां पर बढ़त की है। और जो ये बीआरएस है वो एकदम नीचे गिर गई है। एक्सिस माय इंडिया का अभी तक आया नहीं है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। आगे बढ़िए सी वोटर, सी वोटर में आप देखिए कांग्रेस के पास 49 से 65, बीजेपी के पास 5 से 13, मतलब ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बढ़त है तेलंगाना में। और बीआरएस के पास 38 to 54। फिर आप आइए मैटराइज में, 58 to 68 कांग्रेस और बीजेपी के पास 4 से 9, बीआरएस के पास 46 to 56। और आगे चलिए पोल स्टेट में, कांग्रेस के पास 49 to 56, बीआरएस के पास 48 to 58। ये भी बहुत ही जो क्लोज मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर बीआरएस आगे जाती हुई दिख रही है। जन की बात में भी देख लीजिए, इसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती है, यानी कांग्रेस के आंकड़े बीआरएस से ज्यादा हैं। ईटीजी में देखिए 60 से 70 और इधर 37 to 45, मतलब ईटीजी के हिसाब से भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। सीएनएक्स के हिसाब से देखिए, इसमें भी इसने 63 to 79 सीटें दे दी हैं, मतलब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है तेलंगाना में। और बीआरएस यहाँ पर 31 to 47। और अगर मैं आपको इसका सम टोटल बताऊं तो आप ये देखिए, इसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर्वे ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक सर्वे पोल शेड जो है वो ये कह रहा है कि बीआरएस की बन सकती है, और जो एक एक्सिस माय इंडिया का है वो अभी तक आया नहीं कि मिजोरम की 40 सीटों पर क्या फैसला। और 2018 के नतीजे देखिए, एमएनएफ के पास 26 सीटें थी, कांग्रेस के पास 5, जेडपीएम के पास 8 और बीजेपी के पास 1। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि ये जो एमएनएफ है वो एनडीए गठबंधन का साथी है, यानी बीजेपी का साथी है, तो आप उसको एनडीए की तरफ मानिए। कांग्रेस वहां पर अलग जो कुछ क्षेत्रीय दल हैं उससे उसने गठबंधन कर रखा है, और ZPM भी वहां पर एक अलग से पार्टी है। तो अब अगर मैं इनका आंकड़ा बताऊं, जो अभी ये 5 सर्वेज हुए हैं, तो एक्सिस माय इंडिया ये कह रहा है कि MNF 3 to 7, कांग्रेस 2 to 4, ZPM 28 to 35, यानी एक्सिस माय इंडिया ने तो सरकार बना दी है ZPM की, यानी NDA को नुकसान, बीजेपी को नुकसान, और बीजेपी 0 से 2। सी वोटर देख लीजिए, 15 से 21 MNF, कांग्रेस के पास 2 से 8, ZPM 12 से 18 और बीजेपी 0। मैटराइज में देख लीजिए, 17 से 22, कांग्रेस 7 से 10, ZPM 7 से 12 और ये 0। जन की बात में आप देख लीजिए, 10 से 14, कांग्रेस 5 से 9, ZPM 15 से 25 और बीजेपी 0 to 2। ETG में देख लीजिए, MNF 14 से 18, कांग्रेस 9 से 13, ZPM 7 से 12 और बीजेपी 1 से 2। यहाँ पर अगर हम आंकड़े को क्लोजली देखें तो जो ये एक्सिस माय इंडिया है और जन की बात के हिसाब से तो NDA को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर ZPM की यानी क्षेत्रीय सरकार यहाँ पर बन रही है। और अगर हम तीनों को देखें तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो MNF पार्टी है इसको जो है बढ़त मिलती हुई, बढ़त तो नहीं कहेंगे, 26 से तो कम ही है, लेकिन जो है हंग असेंबली भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर NDA को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए, मैंने आपको पोल्स ऑफ महापोल सब बता दिया है, पांचों राज्यों की आपको स्थिति क्लियर कर दी है, लेकिन असली नतीजा तो 3 दिसंबर को ही आएगा, और हमको भी ये पता करना है कि हम लोग कितने सटीक हैं, दूसरे सर्वे कितने सटीक है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।